डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, हम लोग आज क्लास फाइव का मैथ एक्सरसाइज 66 को कंप्लीट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। और ये चैप्टर 12 है, मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है इसमें, अदरवाइज फिर आप लोगों को सीखने में ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो यहाँ बता रहा है कि समय की अवधि, इसके दरमियान कितना समय हुआ, ये पूछा जा रहा है। ड्यूरेशन अवधि, तो यहाँ पे 6:15 AM, AM का मतलब होता है सुबह, सुबह का टाइम है। तो AM टू 12 noon, मतलब 12 बजे तक कितना समय हुआ, कितना आवर्स हुआ, कितना मिनट्स हुआ। तो सिंपली इसको 12 से अगर इसको माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा यहाँ पे 24 आवर्स वाला क्लॉक जो होता है उसके अनुसार से यहाँ पे ये नियम दिया गया है, लेकिन यहाँ पे इसमें नहीं लगेगा। ये शुरुआत में काफ़ी इजी रहता है, तो उस हिसाब से ये इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सिर्फ हम माइनस करेंगे और ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ से आवर्स में से यहाँ से चलेगा तो 60, तो 60 चलेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ गया, 60। तो 60 में से हम लोग 15 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45, ये हो गया 45 मिनट्स हो गया। और आवर्स में 11 में से 6 गया तो 5 बच जाएगा, तो यहाँ पे 5, मतलब 5 आवर्स 45 मिनट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर बी उसी तरह का दिया हुआ है, 8:30 AM टू 3:50 PM सुबह से लेकर दोपहर तक बोल रहा है। तो 8:30 का मतलब 8:30 होता है, AM में जो रहता है वो AM जो टाइम रहता है वही रहता है 24 आवर क्लॉक में भी, लेकिन PM जो रहता है उसमें 12:08 हो जाता है, तो ये 15 हो गया, 15:50 हो गया। तो इसको जानने के लिए 15 से इसको जो है माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 15:50 में से इसको माइनस करना है, तो इसमें से तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, और ये 5 में से 3:02 ये हो गया, और ये भी माइनस हो रहा है 15 में से 8, तो 7 हो गया, तो 7 आवर्स 20 मिनट्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सी, सी में भी उसी तरह का दिया हुआ है, 4:10 PM टू 12 midnight, अब शाम के 4 बजे दिया हुआ है और 12 बजे रात तक दिया हुआ है। तो 12 बजे रात का मतलब होता है 24 आवर्स, मतलब 24 बजता है उस समय, उसके बाद जो है, या 00 भी बोल सकते हैं, वो 24 बजता है, उसके बाद जो है फिर से वहाँ से चलना शुरू होता है, दूसरा दिन हो जाता है। तो इसका मतलब 4:10, इसमें 12:08 हो गया, तो 16:10 हो गया, और ये 24, तो यहाँ पे इसको 24 से हम लोग इसको 16:10 को माइनस करते हैं, तो यहाँ क्या हो गया, 60 हो गया, तो ये लेते हैं 60, यहाँ से आया 1 आवर, तो 60 मिनट हो गया, और यहाँ पहले से कुछ नहीं है इसलिए 60, तो 60 में से 10, तो ये हो गया 50 मिनट्स हो गया, और यहाँ पर 23 बच गया, तो 3 हो गया, और 3 तो 13 हो गया, यहाँ पे 13 में से 6 चला गया, तो 7 और 1 हो गया, मतलब 0 हो जाएगा, 7 आवर्स 50 मिनट्स, ये हो गया इसका आंसर। ये कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में यहाँ पे आप देख रहे हैं 9:20 PM, PM मतलब है कि ये रात के 9 बज रहा है, 9:20 हो रहा है, और यहाँ पे अब 12 बजे के बाद, मतलब 2 बजे रात हो रहा है AM, तो इसके दरमियान कितना समय होता है। तो यहाँ पे 24 क्लॉक में यहाँ पे 29 का मतलब है 21, तो 20, 120, और यहाँ पे 2 बजने का मतलब है 2 बजना ही, उतना ही समय हुआ। तो 9 से 12 मिडनाइट तक कितना समय हुआ, सबसे पहले हम लोग उसको जानना होगा, इसलिए हम लोग को 24 से इसको माइनस करना होगा, फिर उतना जो समय बचेगा और उधर का जो समय, जो नेक्स्ट डे हो जाएगा, वो अगला दिन का समय हो जाएगा, उसको हम उसके साथ ऐड कर देंगे, तब पता चलेगा कि कितना टाइम हुआ। तो यहाँ पे माइनस करते हैं इसको, तो यहाँ 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया, 20, तो मतलब यहाँ पे 40 हो गया, 40, और यहाँ पे 23 हो गया, और यहाँ पे 23 हो गया क्योंकि 1 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे 3 में से 1, तो 2, और ये तो 0 हो गया, मतलब 2 आवर्स 40, 12 बजे रात तक हो गया, ये इतना समय हो गया। और उसके बाद जो है 2 आवर्स 10, मतलब 2 घंटा 10 मिनट चला, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये और ये जो है दोनों ऐड हो जाएगा, आवर्स मिनट्स यहाँ पे, तो यहाँ 2 आवर्स में हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया, 10 और यहाँ पे हो गया, फिर ये 2 जो आया हुआ है, 2 और 40, 40, तो इसको हम करेंगे ऐड, सबसे पहले यहाँ माइनस होगा और यहाँ ऐड होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे 50 हो गया, 50, और ये हो गया 4, मतलब 4 आवर्स 50 मिनट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया 50। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया हुआ है। तो श्रेया स्लिप्स एट 10:30 PM, मतलब 10:30 बजे रात सो जाती है श्रेया, एंड गेट्स अप अर्ली एट
5:15 मतलब 5:15 सुबह उठ जाती है। हाउ लॉन्ग डज सी स्लीप, तो 12 बजे तक जो जितना सोती है पहले उसका निकालना पड़ेगा, फिर अगले दिन का जो है ये 5:15 उसमें ऐड कर देना पड़ेगा। तो इसमें कितना हो रहा है, 24 से माइनस करेंगे इसका 10:30 का मतलब होता है 24 आवर क्लॉक में, 10 का मतलब होता है 22, इसमें 12 ऐड हो जाएगा तो 22:30, ये 22:30 और 12:24 में से 12 बजे रात से उसको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ये 60 और यहाँ पे 30 मतलब 30 हो गया, यहाँ 30 और यहाँ पे 23 है तो 22 चला गया, तो 1 मतलब 1 आवर 30 मिनट 12 बजे से पहले वो सोती है और इसके बाद 5 घंटा 15 मिनट जो है 12 बजे के बाद, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 5:15 ये हो गया और 1:30 ये हो गया, तो इसको करेंगे हम ऐड, यहाँ पे 30 और 15 45 हो गया, 45 और ये हो गया 6, मतलब है कि 6 hours 45 minutes वो सोती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और यहाँ पे भी व्हाट प्रॉब्लम दिया हुआ है, ए बस लेफ्ट लखनऊ एट 6:10 AM, एक बस जो है वो लखनऊ से 6:10 सुबह चलती है, ए मतलब सुबह में, एंड रिच दिल्ली एट 11 PM द सेम डे, उसी दिन 11 बजे रात में पहुँचती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रिच दिल्ली, तो फिर उसको दिल्ली जाने में कितना समय लगा। अब जो है 12 बजे दिन तक जो वो जितना समय लेता है पहले हम उसको निकालते हैं, और ये जो टाइम लिया गया 11 मतलब 11 आवर्स हो जाएगा, 12 बजे के बाद से 11 बजे रात तक चलता है तो 11 आवर्स हो गया, उसमें 11 आवर्स ऐड कर देंगे जो 12 बजे से पहले का टाइम मिला हमको, तो यहाँ पे पहले माइनस करेंगे तो पता चलेगा 12 बजे से, क्योंकि 12 बजे दिन होता है, 12 बजे रात को 12 बजे मतलब 12 बजे दिन वाला जो 12 होता है उसको 12 हम लिखेंगे और जो मिडनाइट होता है उसमें 24 लिखते हैं, ये मिड डे हो गया, तो मिड डे में 12 और मिडनाइट में 24, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 10 चला गया तो यहाँ 50 हो गया, और यहाँ पे 11 6 तो 5 मतलब 12 बजे से पहले वो इतना आवर्स चला। अब इसके बाद जो है 12 बजे के बाद 11 बजे तक चला तो मतलब 11 आवर्स चला, तो इसको हम 11 आवर्स हो गया और यहाँ पे 5 hours 50 minutes ये इसको हम कर लेंगे प्लस, इसका आंसर आ जाएगा 0 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, ऐड कर रहे हैं तो 5 ही होगा, तो इसके बाद जो है 11 और 5 तो 16 हो गया, इसका मतलब 16 hours 50 minutes, तो ये 16 हो गया, ये आंसर हो जाएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी उसी तरह का दिया हुआ, थोड़ा सा इसमें मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिया हुआ है तो इसीलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ए ट्रेन लिप्स आगरा फोर्ट एट 19:15 तो इसका मतलब है कि 7:15 में मंडे को खुलती है, एंड रिचेज मारवाड़ जंक्शन एट 11:30 hours, 11:30 इसका मतलब है कि 11 बजे सुबह वो पहुँचती है, ऑन ट्यूजडे मंडे को चलती है 7 बजे और ट्यूजडे को 11:30 में पहुँच जाती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक सौरभ टू रिच मारवाड़ इफ ही बोर्ड्स द ट्रेन एट आगरा फोर्ट, अगर आगरा फोर्ट में सौरभ उस ट्रेन को पकड़ता है और फिर वहाँ मारवाड़ पे उतरता है तो कितना समय उसको लगता है ट्रेन पे जाने में। सबसे पहले यहाँ पे 19:15 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 24 आवर के बाद दूसरा दिन हो जाएगा, ट्यूजडे हो जाएगा, तो अभी जितना दिया हुआ था उसको हम लोग 24 आवर से इसको माइनस कर लेते हैं, तो जितना समय वो चला वो मंडे का हो जाएगा और फिर ट्यूजडे का जो है वो इतना समय तक चला 11:30 मतलब इतना आवर्स चला इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको सबसे पहले माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ 60 हो गया और 60 में से 15 चला गया तो 50 और 45 हो गया, यहाँ पे यहाँ 23 मतलब 13 में से 9 4 हो गया 0, इसका मतलब है कि वो 12 बजने से पहले इतना आवर्स चलता है, दिन बदलने से पहले इतना आवर्स, और ट्यूजडे को वो इतना आवर्स चलता है 11:30 तक, तो इसको और इसको ऐड कर देते हैं पता चल जाएगा, तो इतना आवर्स वो चलता है ट्यूजडे को और मंडे को इतना चलता है 4:45, इसको ऐड कर दिए, यहाँ पे 45 तो इसका मतलब है कि 15 ज़्यादा आ रहा है, कितना हो जा रहा है 5 हुआ और यहाँ पे 7 हो जा रहा है तो 75 हो रहा है, इसमें से 60 तो यहाँ पे 1 आवर ऐड हो जाएगा और 60 तो बच गया यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हम 15 ले लेते हैं और यहाँ पे 12 हो गया, 12 और 4 16 हो गया, तो 16 आवर 15 मिनट,
तो पूरे ट्रेन में कितना देर तक रहा, 16 आवर 15 मिनट। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया कंप्लीट। दूसरी तरह से 5 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, इसमें भी डेज पे दिया हुआ है। विदुषी वेंट ऑन ए टूर टू गोवा, विदुषी गोवा के टूर पे जाती है। सी स्टार्टेड हर टूर ऑन 3 जनवरी, 3 जनवरी को वो शुरू करती है जर्नी अपना। एंड कम बैक ऑन 8 फरवरी, हाउ लॉन्ग वाज हर टूर। तो 3 जनवरी को वो जाती है और 8 फरवरी को लौट आती है। तो 3 जनवरी से लेना पड़ेगा 3 जनवरी, मतलब 3 जनवरी। इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ 2 दिन छूट रहा है जनवरी। नंबर ऑफ डेज यहाँ से पहले हम दे दिए हैं, नंबर ऑफ डेज ऑन जनवरी। तो जनवरी में 2 दिन छूट रहा है, तो 31 डेज का रहता है, तो 29 डेज हो गया जनवरी। और नंबर ऑफ डेज ऑन फरवरी, तो फरवरी में 8 तारीख को आई, तो 8 तारीख का गिनती होगा। इसका मतलब है कि 8 डेज फरवरी में हो गया और 29 डेज जनवरी में हो गया। इसको ऐड कर देते हैं, पता चल जाएगा 17 हो गया यहाँ पे, 17 1 और ये 2 3, 37 डेज। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया 37 डेज। तो ये 37 डेज जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 37 डेज। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल क्लोज्ड फॉर समर वेकेशन। एक स्कूल समर वेकेशन का छुट्टी होता है 2 मई। समर वेकेशन की छुट्टी 2 मई, मतलब 2 मई से ही छुट्टी हो जाती है और रीओपन, मतलब पुनः वो खुलती है 8 जुलाई, मतलब मई जून, जून कंप्लीटली हो गया और फिर जुलाई, जुलाई में भी 8 को खुल जा रहा है, मतलब 7 डेज। जुलाई में 7 डेज हो गया और मई में जो है 2 डेज, सेकेंड मतलब 1, एक दिन सिर्फ यहाँ बंद रहा, मतलब इसमें हो गया 30 डेज, क्योंकि मई जो है 31 डेज का होता है, 30 हो गया, और मई जून जो है वो कंप्लीटली वो हो गया, तो 30 डेज का होता है, ये 30 और वो भी 30 और यहाँ 7, तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे जगह तो था नहीं, तो पलट के हम लोग देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे सॉल्व किया गया उसको, नंबर ऑफ डेज ऑन मई, तो मई में 30 डेज हो गया, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन खुला था और दूसरे दिन से तो बंद हो गया वो। तो ऑन जून, जून में तो कंप्लीटली बंद ही रहा 30 डेज, जून में 30 डेज होता है इसलिए 30 डेज, और जुलाई में 8 जुलाई को वो खुल चुकी थी इसीलिए 7 डेज बंद रही। तो इसका मतलब है कि इसको अगर ऐड कर देते तो पता चल जाएगा कि वो कितने दिन बंद रही, तो 60 हो गया और 767 हो गया, 67 डेज, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। तो मुकुल लेफ्ट एट 5:30 AM ऑन फ्राइडे एंड ड्रॉप टू मुंबई, हिरिस्ट टू मुंबई एट 3:15 PM ऑन मंडे। अब यहाँ पे मुकुल जो है वो 5:30 में फ्राइडे को ही मुंबई छोड़ देता है, मुंबई के लिए मतलब निकल जाता है, ड्राइव करते हुए मुंबई के लिए निकल जाता है, और मुंबई वो पहुँचता है 3:15 ऑन मंडे, मतलब फ्राइडे से मंडे तक। तो यहाँ पे फ्राइडे में टाइम जितना लिया गया है, टाइम टेकन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे में कितना समय लिया, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे हॉलीडे हो जाएगा पूरा 24 आवर हो गया, संडे हॉलीडे हो गया 24 आवर उसमें भी हो गया, और मंडे में फिर 3:15 पे वो पहुंचता है दोपहर में। इसका मतलब है कि 3 इसमें 12 हो गया, पीएम है तो 12 हो गया, तो 15:15 मतलब 15:15 उसको मंडे को टाइम लग गया। तो इस तरह के सभी डे का जो है टाइम निकाल के सबको ऐड कर देना है, पता चल जाए कि कितना समय लिया। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्राइडे में कितना समय लिया गया है, तो फ्राइडे में 5:30 पे निकलता है तो इतना टाइम वो छोड़ के निकलता है, बाकी पूरा समय ले लेता है। तो इसमें क्या करेंगे, 24 से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, तो बाकी जो समय रहेगा वो पूरा फ्राइडे का टाइम निकल जाएगा, टाइम टेकन ऑन फ्राइडे। तो 24 से हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और 60 में 30 तो 30 बचेगा, और यहाँ पे 23 हो गया, तो 3 3 माइनस 5 मतलब 13 हो गया, 13 माइनस 5 8 हो गया, 8 और यहाँ पे 1 बच गया, मतलब इतना समय वो फ्राइडे में लिया। अब सैटरडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे हो गया, तो सैटरडे में क्या होता है, सैटरडे में पूरा टाइम लेता है वो 24 आवर्स। संडे, संडे का भी वही स्थिति है, संडे इक्वल टू 24 आवर्स। अब हम लोग को मंडे का टाइम निकाल लेना है, मंडे में कितना समय लिया वो, ऑन मंडे, तो मंडे में वो समय लेता है इतना, वो कंप्लीटली चलते रहता है, तो 15 इतना आवर्स लिया वो, 15 15, ये हो गया। तो टोटल टाइम कितना हो गया, हमको हम लोग को टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम टेकन, कुल समय लिया गया, तो जितना भी सभी दिन का जो है हम लोग इसको ऐड कर देंगे एक साथ, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आवर्स, आवर्स हो गया, यहाँ पे मिनट्स हो गया, इसका जो है इसको सेपरेट कर देते हैं। अब इसको जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सबसे पहले 18 हो गया फ्राइडे का,
18:30। और सैटरडे को कंप्लीट हो गया 24, संडे को भी कंप्लीट हो गया 24, और मंडे को 15:15। अब इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे प्लस। तो प्लस करने पर यहाँ पे 45 हो गया, 30 और 15 हो गया, तो ये 45, और इसको ऐड कर लेते हैं 16 हो गया, 16 और 4 20 और 1 21 हो गया, 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, और 2 8 हो गया, 81 हो गया। 81 आवर्स 45 मिनट्स इतना टाइम लेता है, मतलब इतना समय लगता है उसको मुंबई पहुँचने में। इसको हम डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 81 आवर्स 45 मिनट्स टाइम लगता है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू डेज, ये हो गया। तो डेज में मिनट तो चेंज होने वाला नहीं है, आवर्स को हम चेंज कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 81, इसको चेंज करने के लिए 24 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 24 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इसको बगल में हम लोग 24 से डिवाइड करके देख लेते हैं, यहाँ पे 24 81, तो 2 3 6 होता है, 2 4 8, अगर 2 4 जा लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 3 में जाएगा, तो 2 3 मतलब 24 3, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, 4 3 12 हो गया, तो 1 बच गया, 3 2 6 और 1 7 हो गया, 72, मतलब 3 बार में जाएगा, 3 72, इसके नीचे लिखते हैं और करते हैं माइनस, यहाँ पे 11 2 9 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, तो ये कट गया, मतलब 3 days 9 hours और मिनट जो है ये हो जाएगा। तो हम इसको फाइनली क्या लिखेंगे, 3 days 9 hours और 45 minutes। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। ये थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, इसमें सब 4 days दिया हुआ है, 4 दिन का अलग अलग निकाल के इसको ऐड करना है, तो इसको कूल माइंड से बनाना होगा तभी बनेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।